स्टोरी विद अरुण सुन रहे आप तमाम श्रोता सबका बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय श्रोता नमस्कार, आप लोग सुन रहे हैं YouTube का स्टोरी विद अरुण चैनल और मैं हूँ आप सभी का हारपल का आरजे दोस्त अरुण गिरी। उपस्थित हूँ सस्पेंस थ्रिलर और क्राइम फिक्शन नोबेल सीरीज बदला इसी सीरीज की 36वीं एपिसोड के साथ। अगर इससे पहले आप लोग इस नोबेल सीरीज के पिछले एपिसोड अभी तक नहीं सुने हैं तो मेरे इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इस उपन्यास के पिछले एपिसोड को सुन सकते हैं। जो भी फ्रेंड्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उपन्यास की कथानक और हमारी प्रस्तुति आप लोगों को कैसी लग रही है। तो चलिए फ्रेंड्स अब ज़्यादा देर नहीं करते और स्टोरी विद अरुण पर आप लोगों को मैं सुना रहा हूँ सस्पेंस थ्रिलर और क्राइम फिक्शन नॉवेल सीरीज बदला। सुनिए इसी सीरीज की 36वीं एपिसोड आरजे अरुण के साथ। रोती हुई कामना ने कमरे के अंदर आते ही कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर से चटकनी चढ़ाई और तेजी से लॉन की ओर खुलने वाली खिड़की पर लपकी। उसी खिड़की के जरिए वो लॉन में और लॉन से सुरक्षित सड़क पर आ गई। इस वक्त उसकी आंख में एक भी आंसू नहीं चमक रहा था। उसने सड़क से टैक्सी पकड़ी और होटल गुलमर्ग चलने के लिए कहा। 15 मिनट बाद उसे टैक्सी वाले ने गुलमर्ग के सामने उतार दिया। वो होटल के अंदर नहीं गई बल्कि यूं ही पैदल एक तरफ को बढ़ गई। चोर दृष्टि से वो उस टैक्सी को देख रही थी जिसमें वो बैठकर आई थी। जब वो आंखों से ओझल हो गई तो वो एक कपड़े वाले की दुकान में घुस गई, ज्यादा नहीं। जब वो सिर्फ 5 मिनट बाद दुकान से बाहर आई तो उसके हाथों में कपड़ा का एक बंडल था जो अखबार में लिपटा हुआ था। दुकान से बाहर आते ही उसने फुना एक टैक्सी पकड़ी और शीश महल होटल कहकर बैठ गई। 40 मिनट बाद टैक्सी शीश महल के पोर्च में रुकी। बिल पेमेंट करके वो काउंटर पर पहुंचे, एक कमरे के लिए पूछा। उसे तीसरे फ्लोर पर कमरा नंबर 30 मिल गया। कुछ देर बाद वो उसी कमरे में थी। वो खाली नहीं थी। रैना के वे कपड़े जो उसने पहन रखे थे उसे उतारे, नया सलवार कुर्ता और चुनरी पहनी। वेटर को बुलाने के लिए बेल दबाई। कुछ ही देर बाद जब वेटर आया तो उसने उसे एक 20 का नोट देकर 555 का पैकेट और माचिस मंगाई। वेटर 555 का पैकेट और माचिस दोनों चीज देकर चला गया। सिगरेट का पैकेट कामना ने एक तरफ डाला, माचिस और कपड़े संभाल कर बाथरूम विथ लेटरिन में चली गई। वहां रैना के सारे कपड़े उसने जला डाले, राख सावर के पानी में बहाकर सीवर में पहुंचा दी। बस जैसे यहां यही काम करने आई थी। वो तेजी के साथ कमरे से बाहर निकली, कमरा लॉक किए और लिफ्ट द्वारा नीचे पहुंच गई। शीश महल के पिछले दरवाजे से वो बाहर आई, सड़क पर पहुंची, पुनः एक टैक्सी ली और इस टैक्सी वाले को उसने होटल लव लेन का पता बताया। 20 मिनट बाद लव लेन की काउंटर गर्ल से वो पूछ रही थी, मेरा नाम माला है, क्या आप देखकर बताएंगी कि मेरा नाम से कौन सा कमरा बुक है। रजिस्टर देखते हुए काउंटर गर्ल ने बताया, 5th फ्लोर रूम नंबर 74। थैंक यू कहकर वो लिफ्ट की ओर बढ़ गई। जब वो 5th फ्लोर रूम नंबर 74 के समीप पहुंची तो रूम खोले एक वेटर द्वार पर खड़ा उसी का प्रतीक्षा कर रहा था। वेटर ने अभिवादन किया जबकि कामना ने उसकी तरफ कोई ध्यान न देकर कमरे में पहुंचते ही दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने कमरे की भव्यता या वहां मौजूद फर्नीचर कालीन इत्यादि की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, ये भी अनुमान लगाने की कोशिश नहीं की कि इस कमरे का किराया क्या होगा। उसने सैंडल उतारे और सीधी डबल बेड पर जा लेटी।
हाँ, बेड के समीप ही तिपाई पर रखी फोन की तरफ उसकी दृष्टि बार बार उठ जाती। वो यूं ही लेटी रही। शाम के 7 बज गए। अब फोन की तरफ उसकी निगाहें बड़ी बेचैनी से उठने लगी थी। अचानक 7:30 बजे फोन की घंटी घनघना उठी। कामना ने इस तरह झपट कर रिसीवर उठाया मानो भूखा खाने पर झपटा हो। बोली, हेलो माला हियर, हम बोल रहे हैं। दूसरी तरफ से भराई हुई आवाज उभरी। उत्तेजित सी कामना ने जल्दी से कहा, आपका काम हो गया है, हम जानते हैं। दूसरी तरफ से कहा गया, मेरे पिता और अनु तो ठीक है ना? कामना ने पूछा। फिक्र मत करो, बिल्कुल हिफाजत से है, दूसरी तरफ से कहा गया। अब आप बताइए कि उन्हें कब और कहां मेरे सुपुर्द कर रहे हैं? कल सुबह 7 बजे। सुबह? उत्तेजित सी कामना का उठी। 7 बजे? मगर तब तक मैं यहां क्या करूं? मेरे लिए रात गुजारनी मुश्किल हो जाएगी। तुम जानती हो कि हमें बकवास पसंद नहीं है। दूसरी तरफ से बोलने वाले की आवाज अचानक गुर्राहट में बदल गई। वही करना होगा जो हम कह रहे हैं। हम नहीं जानते कि तुम्हें रात कैसे गुजारनी है, लेकिन याद रखो, विजय आदि भूखे भेड़िए के समान तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम्हारा कमरे से बाहर निकलना तुम्हारे हित में नहीं है। कल सुबह 7 बजे तुम्हें अपने होटल से बाहर निकलना है। तुम्हें एक टैक्सी दिखेगी जिसका नंबर होगा RRC 7281। एक मिनट, कामना ने कहा, जरा नंबर दोबारा बोलिए, मैं नोट कर लूं। कुछ और न देकर उसने वालों से हेयर पिन निकाला और बोली, हाँ बताइए। दूसरी तरफ से टैक्सी का नंबर फिर से बताया जाने लगा, जिसे दोहरा दोहरा कर कामना ने दीवार पर पिन से कमरे की पुताई पर खुरच खुरच कर लिख दिया। बस सुबह इसी टैक्सी में बैठ जाना है, दूसरी तरफ से कहा गया। तुम्हें मंजिल पर लाना ड्राइवर की जिम्मेदारी होगी। अगर बाहर निकलने पर तुम्हें इस नंबर की टैक्सी ना दिखे तो होटल के मुख्य द्वार पर ही खड़ी रहकर थोड़ी देर इंतजार कर लेना। अगर वो लेट भी हुआ तो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट होगा। जी मैं 5 मिनट टैक्सी की इंतजार कर लूंगी, लेकिन लेकिन क्या अगर टैक्सी वे 5 मिनट गुजर जाने के बाद भी होटल के गेट पर नहीं पहुंची तो? टैक्सी जरूर पहुंच जाएगी, दूसरी तरफ से बोलने वाले ने दोहराया। ठीक है, मैं होटल के बाहर इंतजार कर लूंगी, लेकिन प्लीज, कामना के स्वर में याचना उभर आई, मेरे पिता और अनु का ख्याल रखना, उनका हमें तुमसे ज्यादा ख्याल है। कहने के साथ ही दूसरी तरफ से एक झटके के साथ रिसीवर रख दिया गया। कामना ठगी सी खड़ी रह गई। काश कामना उस व्यक्ति को देख सकती जिसकी न सिर्फ लाल लाल आंखें उसे घूर रही थी, बल्कि जिसने फोन पर होने वाली उसकी एक एक बात सुनी थी। सारी रात कामना सो न सकी, न जाने क्या क्या सोचती रही। दृष्टि हर पल उसे घंटे भर जमी रही जो अपनी सामान्य गति से यात्रा तय कर रहा था। उसके दाएं बाएं हिलते पेंडुलम के समान ही कामना को अपना दिल भी हिलता महसूस हो रहा था। उस वक्त सुबह के 7 बजने में 5 मिनट शेष थे जब वो बिस्तर से उठकर बाथरूम में प्रविष्ट हो गई। उसने सिर्फ मुंह धोने की औपचारिकता निभाई, हालांकि वो सारी रात की जागी हुई थी, लेकिन आंखों में उस वक्त भी नींद का एक भी लक्षण नहीं था। जब वो लिफ्ट द्वारा नीचे जा रही थी, उस वक्त ठीक 7 बजे थे जब वो लवलेन की मुख्य द्वार से बाहर निकली। वो सीढ़ियों पर खड़ी थी और सड़क पर आसपास खड़ी टैक्सियों के नंबर पर उसकी नजर फिसल रही थी, परंतु RRC 7221 उसे कहीं नहीं नजर आई। प्रतीक्षा करने का निश्चय करके वो वहीं खड़ी हो गई। अभी वहां खड़े उसे मुश्किल से आधा मिनट ही हुआ था कि थाए थाए अचानक दो फायरों की आवाज से वातावरण गूंज उठा।
दोनों गोलियां कामना की छाती में घुस गई। मुंह से चीख निकली और छाती से खून का फव्वारा। वो गिरी और लवलेन की सीढ़ियों से नीचे लुढ़कती चली गई। ये गोलियां लवलेन की इमारत के सड़क के पार वाली ठीक सामने की इमारत की छत से चलाई गई थी। फायर की आवाज ने सारे बाजार में एकदम से सनसनी सी फैला दी। पहले तो भगदड़ मच गई और फिर भीड़ ने कामना की लाश को घेर लिया। ये देखते ही कि उसकी गन से निकली गोलियां सही निशाने पर बैठी है और अपना काम कर चुकी है। गन वहीं छोड़कर वो तेजी से उठा और छत पर पीछे की तरफ दौड़ने लगा। वो एक गोल मटोल और मजबूत युवक था जिसके पैरों में कपड़े के जूते और जिस्म पर काले चमड़े की पतलून और जर्किन थी। अपना गोल मटोल सिर उसने चमड़े की कैप से ढक रखा था। दोनों कान और गाल के ज्यादातर भाग को कैप की चौड़ी तनियों ने ढक रखा था, जिनके निचले सिरे उसकी ठोड़ी पर एक चटकनी की मदद से मिले हुए थे। कैप का अगला हिस्सा आंखों पर झुका हुआ था। भागता हुआ वो छत के पिछले सिरे पर पहुंचा। उधर एक संकरी सी गली थी और छत के एक कुंदे में बंधी मोटी रस्सी गले में लटकी हुई थी। ये रस्सी इस बात का प्रमाण थी कि उस व्यक्ति ने अपने भागने का प्रबंध पहले से ही कर रखा है। बंदर की सी फुर्ती के साथ और रस्सी के जरिए नीचे उतरने लगा। जिस छत से उसने कामना पर गोली चलाई थी वो इमारत 5 मंजिली थी और रस्सी पर 3 मंजिल उतरने के बाद वो संकरी गली के पार 2 मंजिले मकान की छत पर कूद पड़ा। छतें दूर तक आपस में मिली हुई थी। उन्हीं छतों पर वो दौड़ता चला गया और अंत में बिजली के खंभे पर फिसलता हुआ एक अन्य पतली सी गली में पहुंच गया। गली में एकदम नई एडी मोटरसाइकिल खड़ी थी। गद्दी पर बैठकर उसने जो किक मारी तो वो एक ही किक में स्टार्ट हो गई। 2 मिनट गली में धड़धड़ाने के बाद मोटरसाइकिल चौड़ी और खोली सड़क पर पहुंच गई। सड़क के रास्तों से तभी वो सड़क लवलेन वाली सड़क से काफी दूर पड़ती थी और यहाँ लवलेन के बाहर हुई दुर्घटना का कोई प्रभाव नहीं था। वैसे भी मोटरसाइकिल पर सवार वो व्यक्ति लवलेन से बिल्कुल विपरीत दिशा में उड़ा चला जा रहा था। 45 मिनट बाद लवलेन से कोई 30 किलोमीटर दूर उसने समुद्र के किनारे एक बूथ के पास मोटरसाइकिल रुकी, स्टैंड पर खड़ी की और किसी बेपैदी के लूटे के समान लुढ़कता हुआ सा पब्लिक टेलीफोन बूथ में घुस गया। रिसीवर उठाकर उसने नंबर डायल किए और संबंध स्थापित होने पर 50 पैसे का सिक्का डालते ही अखड़ आवाज में बोला, काम हो गया है। काम? कैसा काम? तुम कौन हो? दूसरी तरफ से किसी के चौंकने के से स्वर की तरफ कोई ध्यान न देकर उसने इस तरह संबंध विच्छेद किया मानो उपरोक्त एक वाक्य कहकर उसने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली हो। बूथ में खड़े खड़े ही उसने जेब से क्वार्टर निकाला, ढक्कन खोलकर 2-3 घूंट हलक से नीचे उतारी और क्वार्टर को चूमा, ढक्कन बंद करके जेब में डाला और बूथ से बाहर आ गया। एक नजर उसने रेत में खड़ी एआईडी को देखा, फिर एक जोरदार ठोकर मारकर उसे रेत में गिराने के बाद एक तरफ को चल दिया। वो समुद्री रेत पर एक दीवार के सहारे सहारे दूर तक चला गया। वो एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पूर्णतया सन्नाटा था। वहां पहले ही रेत में एक गहरा गड्ढा खोदा हुआ था। चमड़े की पतलून, जरकीन और कपड़े के जूते उतारकर उसने गड्ढे में डाल दिए। ये पवित्र काम करने से पहले वो इन कपड़ों की तलाशी लेना नहीं भूला था। क्वार्टर, बीडी, कबंडल, माचिस और जरकीन की जेबों से चमड़े के पुराने जूते निकाले थे।
उसने सिर की कैप की चटकनी खोली और कैप को भी उसी गड्ढे में दफन कर दिया। सातों का संयुक्त ठहाका मानो उस लंबे चौड़े हॉल की छत को उड़ा देना चाहता था जिसमें वे सातों शख्स इस वक्त बैठे थे। सबसे ज्यादा खुश अब्बास था, इसलिए कि योजना उसी की थी जो 100% कामयाब रहा। सबसे जोरदार ठहाका भी उसी का था। बारी बारी से अपनी दोनों कटी हुई बाहों को देखता हुआ वो बोला, विकास आज मेरी ये बाहें जुड़ गई है। लंगड़ाकर भागता हुआ हिल्डिज उसके करीब आया और उसके गालों पर चुंबनों की झड़ी लगाने के बाद बोला, कमाल हो गया यार, कमाल हो गया। साला विकास मर गया, हमें ही नहीं पता नहीं आज कितनों की खुशी हुई होगी। मैं सच कहता हूं 90 तो क्या, अब मैं 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भी दौड़ सकता हूं। हैवर्ड को लग रहा था कि अब वो रूबी को खुश कर सकता है। पागल के समान चुगलक एलिन से पूछ रहा था, देखना एलिन, अभी मेरे माथे पर उस हरामजादे का नाम लिखा है क्या? अपनी दाई आंख पर चढ़ी आई कैप को छेड़ते हुए एलिन ने कहा था, नहीं। ठहाका लगाते हुए डायमो की उंगलियां अपनी कटी हुई नाक को छेड़ रही थी, जबकि कोने में खड़ा बुखातोव लुवातोव के फोटो से कह रहा था, मैंने तेरे हत्यारे से तेरे कत्ल का बदला ले लिया है लुवातोव, अब तो तू कब्र में आराम से सोएगा ना। बस इसी तरह वे अपनी अपनी मस्ती में मस्त थे कि अचानक हॉल में रखी फोन की घंटी घनघना उठी। वे सभी बुरी तरह चौंक पड़े, ठहाके इस तरह रुक गए जैसे स्विच ऑफ करने से लाइट बुझ जाती है। प्रशंसूचक दृष्टि से वे एक दूसरे को देखने लगे। बहुत देर तक कोई कुछ न बोला, हॉल में सिर्फ फोन की घंटी घनघना रही थी। एकाएक बुकातोव ने उन छओ में से न जाने किस से सवाल किया, यहां हमें फोन कौन कर सकता है? सोचने की बात तो ये है, हम तो बेकार ही डर गए। एकाएक हैवर्ड को जैसे कुछ याद आया, ये फोन के मालिक के अलावा अन्य किसी का नहीं हो सकता। ये सुनते ही एकदम सबके चेहरों से प्रश्न सूचक चिन्ह मिटने लगे। सामान्य से स्वर में डायमोक ने कहा, उसी का होगा, ये फोन नंबर हमसे संबंधित सिर्फ उसी के पास है। हैवर्ड ये बड़बड़ाता हुआ फोन की तरह बढ़ गया कि पता नहीं उल्लू का पट्ठा मकान मालिक इस वक्त क्या कहना चाहता है। उनमें से हर एक चेहरे पर बड़ी जहरीली मुस्कुराहट थी। उसके जिस्म पर सफेद टेरिकोट की पतलून और हल्के आसमानी कलर वाली पॉलिएस्टर की कमीज थी। उसका रंग एकदम साफ था और बाल लाल रंग के थे। उसने चमचमाते हुए कपड़े के काले जूते पहन रखे थे जो बूथ में खड़ा दूसरी तरफ रिसीवर उठाए जाने के साथ ही माउथपीस में बोला, हेलो, मैं बोल रहा हूं। कौन कौन मैं कौन? ये आवाज हैवर्ड की थी। ओह अच्छा, चमचमाते जूते वाले ने कहा, हैवर्ड तुम हो? दूसरी तरफ से हैवर्ड ने गुर्रा कर पूछा, तो तुम कौन? गुर्राने के बावजूद तुम्हारी आवाज कांप रही है दोस्त। लाल बालों वाले का लहजा चूट करने जैसा था। बहुत डर लग रहा है क्या? इतने मत डरो, मैं विकास नहीं हूं। बोलो बोलो, भगवान के लिए बोलो कि तुम कौन हो? हैवर्ड चीख पड़ा, अपना राजदार समझ सकते हो? क्या मतलब? कमाल है, वो मुस्कुराया, इतने समझदार आदमी होकर तुम सीधी सी बात का मतलब नहीं समझते? अच्छा तो यूं समझो कि मैं तुम्हारा आठवां साथी हूं। कैसा आठवां साथी? विकास का आठवां दुश्मन? उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। कौन विकास? कैसा दुश्मन, कैसा दोस्त? कोई भी व्यक्ति जब जरूरत से ज्यादा डर या बौखला जाता है तो ऐसे ही बातें करता है।
तुम कौन हो, क्या चाहते हो? मैं कौन हूँ, ये सवाल तुम उतनी ही बार कर चुके हो जितनी बार मैंने तुम्हें बोलने का अवसर दिया, मगर मैंने एक बार भी जवाब नहीं दिया। अतः तुम्हें समझ जाना चाहिए कि इस प्रश्न का जवाब मैं तुम्हें नहीं दूंगा। रहा तुम्हारा दूसरा सवाल, यानी क्या चाहता हूँ, इसका जवाब देने से पहले मैं तुम्हें ये कामयाब योजना बताना चाहता हूँ कि जिसके जरिए विकास का और फिर कामना का कत्ल किया गया। मैं किसी विकास या कामना को नहीं जानता, लाल बालों वाले ने चुभते स्वर में कहा। मैंने कब कहा दोस्त कि तुम उन्हें जानते हो? तो फिर तुम उनकी कहानी हमें क्यों सुना? बचपन में अपनी नानी से तुमने परियों की बहुत सी कहानी सुनी होगी दोस्त, लेकिन आज मैं तुम्हें उन सभी कहानियों से ज्यादा दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ। कहते हुए लाल बालों वालों ने अपने संपूर्ण शरीर का भार एक ही टांग पर लगाकर दूसरे पैर के जूते से भूत के फर्श पर धीरे धीरे देता हुआ बोला, कहानी ऐसी है कि तुम पिछली सभी कहानियों को भूल जाओगे। तुम भी अमेरिकन हो, वो भी अमेरिकन था, उसका नाम भी हेवर्ड था, तुम्हारा नाम भी हेवर्ड है। तुम्हारे ही समान उसकी विलासिता की सजा विकास नामक एक भारतीय लड़के ने ये दी थी कि उसे इस लायक ही नहीं छोड़ा था कि वो रूबी या किसी भी लड़की के साथ सो सके। तुम्हारी तरह उसके सीने में भी विकास के विरुद्ध प्रतिशोध की होली जल रही थी। उसने भी तुम्हारी तरह दुनिया में बिखरे विकास के 6 दुश्मनों को पत्र लिखे। पत्र में लिखा था कि अगर वे विकास से बदला लेना चाहते हैं तो संगठित हो जाए। मिस्टर, बीच में मत बोलो दोस्त, कहानी का मजा किरकिरा मत करो, लाल बालों वालों ने कहा। और हाँ सुनो, अपनी तरफ से तुम संबंध विच्छेद की चेष्टा भी नहीं करोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं विजय के फोन का नंबर अच्छी तरह जानता हूं। मुझे कहानी सुनानी है, तुम्हें न सही उसे सुना दूंगा। हाँ तो मैं कहां था? हेवर्ड ने पत्र डाल दिए। उन 6 में से एक अफ्रीकन था, उसका नाम डायमोक था, और वो अपने नाक कान के कारण विकास का दुश्मन बन गया था। इस तरह सबके बारे में वो अस्पष्ट बताता चला गया। पत्र व्यवहार के बाद ये सब मास्को के रूफसी होटल के कमरा नंबर 20 में मिले। लाल बालों वालों वाले बारीक बात बताता चला जा रहा था। वहां ये तय हुआ कि 7 मिलकर विकास की हत्या करेंगे। दुनिया में बिखरे विकास के 7 से ज्यादा दुश्मनों को इसलिए साथ नहीं लिया गया क्योंकि ऐसा करना हानिकारक समझा गया। वहां यह तय हुआ कि मास्को से सभी अपने अपने देश जाएंगे। सब अपने देश से नाम बदलकर एक ही दिन राजनगर पहुंचेंगे। राजनगर के वे 7 अभिन्न होटल चुन लिए गए थे जिनमें उन्हें अलग अलग ठहरना था। किसको किस होटल में ठहरना है ये भी तय कर लिया गया था। जो योजना मास्को में बनी थी वही हुआ, यानी जेम्स एलिन ने किराए की कार ली, अलग अलग सबके होटल से सबको लिया, और फिर कार में ये बहस होने लगी कि मिशन का खर्चा कौन वहन करेगा। मेरी बात सुनो, पहले ही चेतावनी दे चुका हूं कि बीच में मत बोलो, चमकदार जूतों वाला गुर्राया। मैं एलिन द्वारा किराए पर ली गई उन कारों के नंबर भी बता सकता हूं दोस्त, जिनके सड़क पर दौड़ते समय विकास की हत्या की योजना पर विचार होता था। बहुत सी योजनाएं रद्द हुई और अंत में जो पास हुई वो योजना अब्बास की थी। शेष 6 द्वारा योजना में निकाली गई कमियों और संशोधन के बाद जो योजना निखर कर आई वो बहुत ही सीधी सादी और आसान सी योजना थी। योजना की पहली जरूरत किसी ऐसी लड़की को तलाश करना था जिसका कोई ऐसी कमजोर नस हो जिसके दबाने से वो कठपुतली के समान तुम्हारे इशारों पर नाच सके। बेचारी कामना के रूप में वो तुम्हें मिली।
उसकी कमजोर नस, टीवी से ग्रस्त उसका बूढ़ा पिता और 10 वर्षीय नन्हा भाई अनु था। तुम 6 आदमियों ने मिलकर उस वक्त उनका अपहरण किया जब कामना ऑफिस गई हुई थी। 6 ने इसलिए क्योंकि तुम में से एक यानी डायमो किंग कोबरा का जहर लेना अफ्रीका रवाना हो चुका था। हाँ, अपहरण करने से पहले हिल्डिज नाम बदलकर कृष्णा नगर का 44 नंबर मकान किराए पर ले चुका था। कामना के पिता और भाई को उसी में रखा गया। कामना के घर कामना के नाम जो पत्र लेकर छोड़ा गया था उसमें भी उसे वहीं बुलाया गया था। उसकी कमजोर नस तुमने दबा दी थी जिसके कारण उसे वहां पहुंचना ही पड़ा। और फिर तुमने उसे इस बात के लिए मजबूर किया कि वो तुम्हारे इशारे पर नाचे। हाँ, मैं एक आवश्यक पॉइंट कहना भूल गया, ये कि कामना के सामने तुम 6 नहीं आए थे, सिर्फ तुमने और चुंगलुक ने ही उससे बातें की थी। तुम्हारे चेहरों पर भी काले नकाब थे। हाँ, मैं एक आवश्यक पॉइंट कहना भूल गया, ये कि कामना के सामने तुम 6 नहीं आए थे, सिर्फ तुमने और चुगलुक ने ही उससे बातें की थी। तुम्हारे चेहरे पर भी काले नकाब थे। वो तुमसे भयभीत हो गई थी। ये कहकर तुमने उसे और भयभीत कर दिया था कि अगर वो तुम्हारे मुताबिक काम नहीं करेगी तो तुम उसके पिता और भाई को खत्म कर दोगे। कामना बेचारी तुम्हारे इशारों पर नाचने के लिए मजबूर हो गई। असल बात यह है कि वो सीधी सादी लड़की नहीं जानती थी कि विकास क्या चीज है। विकास का नाम तक उसने कभी नहीं सुना था। उसे कार में बैठाकर तुमने विकास की कोठी के सामने से गुजारते हुए उसकी कोठी दिखाई, वापस 44 नंबर के मकान में लाकर उसे बताया कि उसे क्या करना है। तुमने उसे बताया कि जिस वक्त विकास भैया कहकर उसे विकास की कोठी का दरवाजा खटखटाना है, उस वक्त ऐसा दर्शाया जाएगा जैसे कुछ लोग तुम्हारी हत्या करने के लिए तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। बुकातोव ने योजना के मुताबिक एक डायरी तैयार की थी, ऐसी डायरी जिसमें यूं ही उठपटांग बिना सोचे समझे उल्टे सीधे शब्द लिखे गए थे। डायरी में लिखे एक भी अक्षर का कोई मतलब नहीं था, सिर्फ उस डायरी में विकास को उलझाने के लिए वो तैयार की गई थी। डायरी कामना को पकड़ा दी गई और उसे वो कहानी भी रटा दी गई जो उसे विकास को सुनानी थी। ये वही कहानी थी जो उसने विकास को सुनाई। कहानी को स्वाभाविक बनाने के लिए तुम लोगों ने काफी दिमाग लगाया था। विकास के घर पर कामना ने जो भी कुछ किया वो तुम्हारे ही संकेत पर हो रहा था। अब्बास जानता था कि विकास कितना भावुक है। जब वो रक्षाबंधन के दिन कामना को रोती देखेगा तो खुद ही उसका भाई बन बैठेगा और राखी बंधवाने की जिद करेगा। अब्बास ने अपने इसी मनोवैज्ञानिक दिमाग का लाभ उठाते हुए योजना बनाई थी। जब तुमने कामना को यह बताया कि राखी बांधने के बाद बहन भाई को जो मिठाई खिलाती है उसमें जहर होगा तो कामना थर थर कांप उठी थी, चीख पड़ी थी कि वो ऐसा नहीं कर सकेगी। भारतीय लड़की चाहे जितनी जालिम हो लेकिन राखी बांधने के तुरंत बाद अपने उसी भाई को वो जहर नहीं दे सकती। ये हकीकत तुम जानते थे एवर्ट कि इस पॉइंट पर आकर कामना बिदकेगी और उसे मजबूर करने का उपयोग ये था कि उसी की आंखों के सामने उसके नन्हे भाई अनु की छाती पर चाकू की नोक रखकर ये कहना था कि अगर कामना ने एक बार भी और तुम्हारे काम के लिए इनकार किया तो चाकू उसके छोटे से मासूम भाई के कलेजे के आर पार हो जाएगा। कामना दहल कर रह गई थी। उस मजबूर और बड़ी बहन को सब कुछ करना पड़ा। तुम्हारे इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बनने के लिए वो तैयार हो गई, लेकिन तुम्हें जरूरत थी डायमोक की जो अफ्रीका से अब तक नहीं लौटा था।
तुमने सिर्फ बेचैन दिल से डायमो का इंतजार करते रहे, बल्कि इस खाली समय में तुमने तोते के समान कामना को सारी योजना बता दी। वो एक एक शब्द और हरकत बता दी जो उसे वहां जाकर बोलना या करनी थी। रक्षाबंधन से एक दिन पहले डायमोक जहर लेकर पहुंच गया। हिल्डिज की ड्यूटी इस बात पर नजर रखना था कि विकास कब घर के अंदर है और कब बाहर। विकास की कोठी के ठीक सामने सड़क के पार वो एक पेड़ पर छुपा बैठा था। योजना के मुताबिक उस वक्त कामना को वहां पहुंचाया गया जब रैना अकेली थी। पूरे ड्रामे के साथ कामना का पीछा एलिन, तुम, डायमोक और अब्बास कर रहे थे। उधर इसी समय में बुखातोव और चुंगलोक कृष्णनगर के चावल से नंबर मकान में ऐसे सबूत बिछा रहे थे जिनसे कामना की कहानी 100% सही लगे। योजना के अनुसार शहर की घनी आबादी में दूर तुम एक अन्य मकान ले चुके थे जिसमें तुम सब कामना को विकास के घर पहुंचाने के बाद और हिल्डिज तथा चुंगलोक कृष्णनगर वाले मकान से कामना के बेहोश पिता और भाई को लेकर इकट्ठे हुए थे। बस तुम चुपचाप उसी मकान में छुपे रहे। तुम्हारी कठपुतली अपना काम कर रही थी। तुम जानते थे कि तुम्हारी उंगलियों के इशारे से अलग कामना एक कदम भी उठाने का साहस नहीं कर सकती, क्योंकि तुम हर समय उस पर नजर रखोगे और उसके दिल में ये डर बैठा दिया गया था कि अगर वो जरा भी बहकी तो उसके पिता और भाई को कत्ल कर दिया जाएगा। कठपुतली हमेशा वो करती है जो उसे नचाने वाला चाहे। कामना ने भी वैसे ही किया। योजना इतनी स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित थी कि उसमें कहीं भी लोच नहीं आया। कामना को तुमने बता दिया था कि मिठाई खिलाने के बाद उसे क्या करना है। बाहर आकर पहले कहाँ जाना है, फिर कहाँ जाना है। मतलब ये कि कामना जो कुछ कर रही थी वो तुम्हारी उंगलियों के इशारे पर हो रहा था। लवलेन में तुमने माला नाम से उसके लिए फोन द्वारा एक कमरा बुक करवा दिया था। उस कमरे का फोन नंबर तुम्हारे दिमाग में सुरक्षित था। रक्षाबंधन के रोज जहां एक तरफ कामना अपना काम कर रही थी, वहीं डायमो किसी ऐसे गुंडे के तलाश में था जो पैसे लेकर कामना को कत्ल कर दे। ऐसा गुंडा उसे हमराज के नाम से मिला। डॉन होटल के केविन नंबर 5 में डायमोक अपना चेहरा नकाब से ढककर महाराज से मिला। पेशेवर कातिल महाराज से 5,000 में सौदा किया। योजना तैयार की वो गन महाराज को दी गई जो डायमोक जहर के साथ अफ्रीका से ले आया था। नई खरीदी गई एक यजदी दी गई। ये यजदी वुकातोव ने रन के फर्जी नाम से 3 दिन पहले ही खरीद ली थी। महाराज को पूरी तरह समझा दिया गया था कि लवलेन की सड़क के पार जो इमारत है उसकी छत से उस लड़की का कत्ल करना है जो ठीक सुबह के 7 बजे होटल से बाहर निकलेगी। महाराज को सारे पैसे पहले ही दे दिए गए थे। उसे एक उटपटांग नंबर भी दिया गया था। डायमो को खुद नहीं मालूम था क्यों नंबर राजनगर में किसका है। बस यूं ही एक फर्जी नंबर महाराज को देकर कह दिया गया था कि इस नंबर पर रिंग करके वो सिर्फ इतना कह दे कि काम हो गया है। ये केवल महाराज को संतुष्ट करने के लिए किया गया था, वरना काम होने की सूचना तो तुम्हें यूं भी लग जानी थी। मगर तुम हर पॉइंट पर गौर से सोच समझ कर चले। उधर महाराज से सौदा पक्का होने के बाद एक पब्लिक बूथ से एलिन ने कामना से बातें की। उसे बताया कि सुबह के ठीक 7 बजे उसे होटल से बाहर निकलना है। उसे एक ऐसी टैक्सी का नंबर बताया गया जो पता नहीं राजनगर में है भी या नहीं। ये अनाप शनाप नंबर उसे इसलिए बताया गया था ताकि वो लवले के द्वार पर खड़ी होकर इस काल्पनिक टैक्सी का इंतजाम करे और महाराज को उसे निशाने पर लेने में कोई दिक्कत ना आए। बस खेल खत्म। महाराज तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं जानता जिसके कारण कोई उसके जरिए तुम तक पहुंच सके। तुम अब भी उसी मकान में हो जो आबादी से दूर है, जहां तुम कृष्णा नगर वाला मकान छोड़कर गए थे।
कामना का बूढ़ा पिता और अनु अभी तक तुम्हारे पास है। कहो दोस्त, कहानी सुनाने में कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? तो तुम बताते क्यों नहीं कि तुम कौन हो? हैवर्ड की आवाज ऐसी थी जैसे बकरा मिमिया रहा हो, जिसे कसाई एक झटके से हलाल करने के स्थान पर धीरे धीरे आरी चला रहा हो। ये सब कैसे जानते हो और हमसे क्या चाहते हो? फिलहाल तो सिर्फ एक काना कहानी ही सुनाना चाहता था, लाल बालों वालों ने कहा। कहानी काफी लंबी थी, थक गया हूं, शेष बातें फिर कभी होगी। कहने के साथ ही उसने बिना हैवर्ड के किसी शब्द का इंतजार किए संबंध विच्छेद कर दिया। रिसीवर हैंगर पर लटकाने के बाद उसने जेब से एक सिगरेट निकालकर गैस लाइटर से सुलगाई और 555 का खाली पैकेट बूथ में डालने के बाद ढेर सारा धुआं उगलता हुआ दरवाजा खोलकर बूथ से बाहर निकल गया। चेहरे ऐसे हो गए थे मानो नील टिनोफाल लगे सफेद कपड़ों को किन्हीं मजबूत हाथों ने पूरी ताकत से निचोड़ा हो। जिस्मों में अभी तक झुरझुरी सी दौड़ रही थी। हैवर्ड उन सभी को बता चुका था कि एक अज्ञात आदमी से फोन पर उसकी क्या बातें हुई थी। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया था जैसे उनमें से कोई मर गया। ये सन्नाटा उसी हॉल में था जहां ये फोन आने से पहले काकाए गुज रहे थे। हॉल में एक डाइनिंग टेबल पड़ी थी। लड़खड़ाता हुआ सा हैवर्ड आगे बढ़ा और धीरे से एक कुर्सी पर बैठ गया। अपनी जगह से हिलकर डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ता हुआ अब्बास जाने किससे बोला, ये कौन हो सकता है? इसे तो हमारे जर्रे जर्रे को मालूमात है। खुद को नियंत्रित करने की चेष्टा करते हुए हिलचकाने लगा। ये भी जानता है कि सबसे पहले हम मास्को में मिले थे। वो तो उससे पहले की भी सारी बातें जानता है। बुकातोव की आवाज कांप रही थी। उन कारों के नंबर खुद मुझे याद नहीं है जो मैंने किराए पर ली थी। एलिन का उठा, मगर उसे याद है। कार में होने वाली बातें तक उसे याद है। चुगलुक बोला, हमने सोचा था कि सड़क पर चलती कार की दीवारों में कान नहीं होते। उसके बात करने के ढंग से जाहिर है कि वो हमें आत कितना कर चाहता है, हमें आतंकित करना चाहता है। कुछ सोचते हुए हैवर्ड ने कहा, अतः हमें आतंकित नहीं होना चाहिए, गौर करना चाहिए कि वो कौन हो सकता है। मुमकिन है कि वो विकास का कोई साथी हो, हेलिच ने कहा। क्या बकवास कर रहे हो? एलिन झुंझला सा उठा। अगर वो उनमें से कोई होता तो मैं फोन नहीं करता, बल्कि यहां आकर एक एक को गोलियों से भून देता। सभी के जिस्मों में मौत की ठंडी लहर दौड़ गई। बुकातोव बड़बड़ाया, तो फिर ये कौन हो सकता है? अगर वो ये बताता कि चाहता क्या है तो अनुमान लगाया जा सकता था, अब्बास ने कहा। परंतु कमबख्त ने यह भी तो स्पष्ट नहीं किया। अचानक हैवर्ड ने कहा, तुम सब गलत लाइन पर सोच रहे हो। सब चौंके, नजरें उसकी तरफ उठी। हिलिज ने पूछा, क्या मतलब? जब उसे इतनी जानकारी है तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हाँ, इसका मतलब ये कि वो हमसे कुछ चाहता है, हैवर्ड कड़िया जोड़ रहा था। जेम्स एलिन ने कहा, ऐसा ही लगता है। लगता नहीं बल्कि ऐसा है, जोश में उसने डाइनिंग टेबल पर घूसा मारते हुए कहा। अगर हम उसका कोई काम ना निकल रहा हो तो अब तक हम यहां सुरक्षित न बैठे रहते। इसका मतलब ये कि हम आगे भी सुरक्षित रहेंगे। हमें फंसाने में जरूर उसका भी कोई ना कोई नुकसान है। हैवर्ड के विश्लेषण से सभी प्रभावित हुए थे। अब्बास ने कहा, इसका मतलब ये कि हमें उसे डरना नहीं चाहिए, साथ ही ये भी कि वो हमें व्यर्थ ही डराना चाहता है।
व्यर्थ क्यों? हिल्डिज बोला, हमारे बारे में वो सब कुछ जानता है। जब चाहे विकास के किसी भी साथी को किया गया उसका एक फोन हमारी मौत का फरमान बन सकता है। तुम अभी तक नहीं समझे, मैं ये कह रहा हूं कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता, सिर्फ उस वक्त तक जब तक उसे हमसे कोई काम है, हिल्डिज ने कहा। जिस पल उसे इल्म हो गया कि हमसे उसका वो काम नहीं निकलेगा, उसी पल वो हमें फंसा देगा। उससे हमसे लालच क्या हो सकता है? डायमक ने प्रश्न उठाया। मुझे लगता है किसी हद तक मैं समझ रहा हूं। सबकी आंखें चुगलोक पर जम गई, जबकि चुगलोक ने खुद को उन सब से बुद्धिमान समझते हुए कहा, संभव है कि वो विभिन्न देशों द्वारा घोषित इनाम पाना चाहता हो। चेहरे पीले जर्द पड़ गए। बुकातोव चीख पड़ा, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? चुगलोक ने पूछा। बुकातोव का चेहरा भभक रहा था। खुद को नियंत्रित करते हुए कहा, हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। सारा काम हमने किया है और इनाम वो ले जाए, हरगिज नहीं। बस यही सुनते ही वो हमें मौत के मुंह में झोंक देगा, एलिन का उठा। गहरा सन्नाटा छा गया उस हॉल में। डायमोक ने कहा, हमें बहुत सोच समझ कर चलना चाहिए। जिस तरह कामना हमारी कठपुतली थी, उसी तरह अब हम उसकी कठपुतली है। जब तक हमें उसे अपने कब्जे में नहीं कर लेते, कम से कम तब तक तो हमें उसके इशारे पर नाचना ही पड़ेगा। इस सूचना मिलते ही कि लवलेन के बाहर किसी ने दो गोलियां चलाकर माला नामक एक लड़की की हत्या कर दी है, तीनों कारों का काफिला लवलेन पहुंच गया। इन कारों में विजय के साथ अल्फांसे, वतन, वगारोफ, जेम्स बॉन्ड, रहमान, अशरफ, विक्रम, अजय, धनुष टंकार और गुलफाम आदि थे। कामना की लाश को देखते ही जहां विजय और अल्फांसे की आंखें सुर्ख हो गई थी, वहीं सकते किसी हालत में नायक और ठाकुर साहब लाश को देखते हो गए थे। रघुनाथ और ठाकुर साहब भी पागलों के समान तेजी से धनुष टंकार ने एक कागज पर वसीट मारी। कागज वतन को दिया। ये पढ़ते ही वतन के मस्तक पर बल पड़ गया कि इसी लड़की ने विकास को जहर दिया था। भीड़ को पुलिस ने लाश से काफी दूर ही रोक रखा था। कामना की लाश पर झुका हुआ विजय न जाने क्या तलाश कर रहा था, जबकि सीढ़ियों का निरीक्षण करने के बाद वतन विजय के समीप आकर बोला, उस वक्त ये कमीनी लड़की नीचे से आठवीं सीढ़ी पर थी चाचा, जब इसे ठीक सामने से गोली मारी गई। अल्फांसे दूर खड़ा एक आदमी से बात कर रहा था। विजय अभी सामने वाली इमारत को घूर ही रहा था कि जेम्स बॉन्ड ने जेब से चाकू निकाला, कामना के उस एक जख्म के अंदर ठूसा जहां गोली लगी थी। लोग उसकी विचित्र क्रिया बहुत ध्यान से देख रहे थे। बॉन्ड ने एक झटके से गोली जख्म से बाहर खींची। खून की कई छींटे बॉन्ड के चेहरे से जा टकराए। जख्म से निकलकर हवा में लहराने वाली गोली को वागारोफ ने लपका और उस पर से खून साफ करके कुछ पड़ता हुआ बोला, ये गोली तो अफ्रीका में बनी है। गोली पर झुकते हुए रहमान ने कहा, ये गोली अफ्रीका की 0.5 गन से चलती है चाचा, और दो गज तक मार सकती है। चुप रह हरामजादे, वागारोफ बड़बड़ाया, ये हम भी जानते हैं। मानो ना मानो चाचा, नुसरत का उठा, ये गोलियां सामने वाली इमारत से चलाई गई है। ओ देख उल्लू के पट्टे। तेजी के साथ इमारत की तरफ जाते हुए विजय की ओर संकेत करते बागारोफ ने कहा, तेरा खासम पहले ही उधर जा रहा है। वे सभी विजय के पीछे लपक लिए। विजय के साथ वतन, गुलफाम, धनुष टंकार और अपोलो भी थे। वे इमारत पर पहुंचे। इमारत एक दैनिक अखबार का हेड ऑफिस थी। विजय लिफ्ट द्वारा टॉप मंजिल पर पहुंचा। छत से पहले वो कहीं ठिठका तक नहीं। छत पर उनसे पहले ही अल्फांसे मौजूद था। उसके हाथ में एक गन थी, जिसे विजय को देता हुआ वो बोला,
गोलियां इस गन से चली। हत्यारा फब्बारे की बीड़ी पीता है। ट्रिगर पर उसकी उंगलियों के निशान है। पैरों में कपड़े के जूते थे। रस्सी पर चढ़ने उतरने में माहिर है। विजय ने सुना, वो कुछ बोला नहीं, मगर जाने गुलफाम को क्या हुआ कि दहकती भट्टी के समान तप कर उसका चेहरा कनपट्टियों तक लाल सुर्ख हो गया। आंखें अंगारा बन गई थी। अन्य सब तो उस दिशा में बढ़ गए जहां कुंदे में एक रस्सी बंधी हुई थी, परंतु गुलफाम जड़वट सा वहीं खड़ा रह गया। कई क्षण तक न जाने क्या सोचता रहा हो, फिर बिना किसी से कुछ कहे वो तेजी के साथ वापस चला गया। वे लोग मंकरी सी गली में लटकी रस्सी को अभी देख ही रहे थे कि धनुष डंकार पर रस्सी पर झूल गया। अल्फांसी और वतन ने उसे रुकने के लिए कहा, परंतु उसने किसी की ना सुनी। रस्सी को बहुत जोर से देखता हुआ वो नीचे उतरता जा रहा था और विजय उसे देख रहा था। एक टक इस तरह जैसे धनुष टंकार को उठाकर गले से लगा लेना चाहता हो। विजय की आंखों में आंसू तैर रहे थे। तीन मंजिल उतरकर धनुष टंकार रुक गया। रस्सी पकड़े दोनों मोड़ कर ध्यान से संकरी गली के पार वाले दो मंजिले मकान की छत को घूरने लगा। कुछ देर तक घूरता रहा और फिर उसी छत पर कूद पड़ा। तभी पांच मंजिली छत पर खड़े विजय इत्यादि ने दो मंजिले मकान की छत से मिली सबसे अंतिम छत से धनुष टंकार की तरफ आते हुए जैकी को देखा। अरे, बॉन्ड की मुंह से निकला, जैकी वहां कब पहुंच गया? वो तुम सबका गुरु है हरामखोर अंग्रेज, वगारूफ बड़बड़ाया। जैकी धनुष टंकार के करीब आया, बोला, वहां अब कुछ नहीं है दोस्त, चलो। उछलकर धनुष टंकार जैकी के कंधे पर बैठ गया। छत से जंप लेकर जैकी ने रस्सी पकड़ी और फुर्ती के साथ विजय आदि के पास कूद गया। फिर विजय से बोला, कातिल मोटरसाइकिल से भागा है। विजय इस तरह चुप था मानो उसके मुंह में जुबान नहीं हो। तभी छत पर आते हुए रघुनाथ ने सूचना दी, समुद्र के किनारे एक बूथ के समीप एक नई मोटरसाइकिल मिली है। सुनते ही विजय बिना कुछ कहे छत से नीचे की तरफ बढ़ गया। सभी उसके पीछे थे, जबकि अशरफ रघुनाथ से मोटरसाइकिल का नंबर पूछ रहा था। नीचे पहुंचकर काफिला कारों की तरफ बढ़ रहा था जबकि अशरफ ने अखबार के ऑफिस से यजदी कंपनी से फोन मिलाया। जब ये काफिला वहां से समुद्र की ओर चलने के लिए तैयार था, तब दौड़ते हुए अशरफ ने विजय के नजदीक आकर कहा, मोटरसाइकिल 4 दिन पहले ही किसी रमन नाम के आदमी ने खरीदी थी। विजय फिर भी शांत रहा। वेद प्रकाश शर्मा के जितने भी पुराने पाठक और श्रोता होंगे वो अच्छी तरह जानते हैं कि गुलफाम किस बला का नाम है। नए श्रोताओं और पाठकों के लिए इसी उपन्यास में पहले भी संक्षिप्त परिचय दिया जा चुका है, लेकिन यहाँ पुनः उसकी कुछ विशेषताओं का जिक्र इसलिए आवश्यक है कि कहीं आप चक्कर में ना पड़ जाए। किसी जमाने में गुलफाम राजनगर का कुख्यात गुंडा हुआ करता था। राजनगर नाम के जंगल में उसे शेर कहा जाता था। एक केस में विजय से उसका टकराव हुआ और फिर गुलफाम पराजित हुआ। प्रभावित हुआ तो विजय की सलाह पर चाकू छोड़ दिया उसने। कसम खाई कि शेष जिंदगी शराफत से गुजारेगा। उसने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया, उसी की आय पर जीने लगा। मगर राजनगर के गुंडों में अब भी उसकी फिलती थी। मजाल है कि गुलफाम उस सास से कोई आंख मिला जाए। जब विजय को किसी स्थानीय गुंडे के बारे में पता करना होता था तो सीधा गुलफाम के पास आता था। ऐसा अक्सर कभी नहीं आया जब विजय के इच्छित गुंडे को उसके सामने लाकर खड़ा करने में गुलफाम को आधे घंटे से ज्यादा का समय लगा हो।
राजनगर में कोई नया गुंडा पैदा बाद में होता था। खबर गुलफाम को पहले लग जाती थी। वहीं गुलफाम अपने होटल के सामने टैक्सी से उतरा। तहमद संभाले जब होटल के अंदर की तरफ दौड़ रहा था तो टैक्सी वाले ने उसे अपने व्हील के लिए पुकारा, मगर गुलफाम ने उसकी एक न सुनी। ओए गंगू टोटे बुखारी, अबे कहां मर गए सब। दहाड़ता हुआ गुलफाम जब होटल में दाखिल हुआ तो एक 20 साल के करीब का छोकरा सामने आ गया। क्या हुआ खलीफा, वो बोला, आज तो तूफान मेल हो रहे हो तुम। टोटे, गुलफाम गुर्राया, मेरे कमरे से चाकू उठा के ला मेरा। खलीफा, टोटे हकला गया, तो तुम चाकू। गुलफाम का छन्नाटेदार थप्पड़ टोटे के गाल पर पड़ा तो मुंह से चीख निकलता हुआ हवा में 3 कालाबाजियां खाकर वो मेज पर जा गिरा। मेज के साथ ही जमीन पर गिरा। ये सच है कि टोटे का वो निकर गीला होता जा रहा था जो उसने पहन रखा था। किसी पागल और ओवैसी के समान तेजी से चलता हुआ गुलफाम अपने गंदे संदे कमरे में पहुंचा। कोने में पड़े पुराने और टूटे फूटे संदूक के ढक्कन में जो लाल तो हवा में झंझनाता हुआ ढक्कन दीवार से टकरा कर दूर जा गिरा। फिर अगली ठोकर में संदूक उल्टा हो गया, कई जोड़ी तहमद और बनियान बिखर गए। दूर फर्श पर पड़ा चाकू झंझना रहा था। कबूतर पर झपटने वाली बांज की तरह गुलफाम उस चाकू पर झपटा। चाकू उठाया, आग के बहुत करीब बिल्कुल सामने लाकर देखा उसे। न जाने वो चाकू कब से बंद था, जंग लग चुका था। गुलफाम ने दीवार की तरह चाकू घुमाकर फूंक मारकर धूल साफ की, बटन पर हाथ रखा और खचाक से खोल दिया उस चाकू को। जंग लगे फल को चूमने के बाद गुलफाम ने चाकू से कहा, अगर मुझे मालूम होता मेरे यार कि तुझसे कट्टी करने के कारण इस शहर के गुंडे की हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी कि उनके वार गुलफाम के दिल पर होंगे, तो कभी मास्टर को मैंने तुझे संदूक में बंद रखने का वचन दिया होता। खलीफा, कमरे के दरवाजे से एक लड़के ने कहा। घूमकर जलती हुई आंखों से गुलफाम ने उधर देखा तो वहां खड़े होटल में वेटर का काम करने वाले 3 गुर्गों के तिरपन कांप गए। कुछ भी सही, अपने खलीफा के चेहरे पर ज्वालामुखी की तरह धधकती ये आग उन्होंने इससे पहले कभी भी नहीं देखी थी। वो सहम तो गए, लेकिन उस लड़के ने कहा, जिसका नाम बुखारी था, अपने मास्टर को दिया हुआ वचन तोड़ रहे हो खलीफा। अरे भांड में गया मास्टर और उसे दिया हुआ वचन, चीखने के साथ दहाड़े मार मार कर रो पड़ा गुलफाम। तिरंगे में लिपटे उस बेटे की कसम, राजनगर नाचेगा तो गुलफाम के चाकू की नोक पर। वो सो रहा था बुखारी, हमेशा के लिए सो गया। आंखें खोलकर मुझसे कह रहा था कि गुलफाम अंकल, तुम्हारे रहते मर गया मैं। तुम तो कह रहे थे कि राजनगर में तुम्हारी इजाजत के बिना पत्ता नहीं फटक सकता। थू, तुम कुछ नहीं कर सकते। तीनों लड़कों की आंखों में आंसू आ गए। हमें जो है खलीफा, गंगू ने कहा, तुम्हारी ये बच्चे जो है, बोलो कौन चाहिए। कहो तो सारे राजनगर को जलाकर उसकी राख तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दे। नहीं मेरे बच्चों, नहीं, गुलफाम करा उठा। अब राजनगर में चाकू चलेगा तो सिर्फ गुलफाम का। देखना ये है कि इसे ललकारता कौन है। जब से राजनगर शहर है तभी से वो इलाका गुंडों का चंबल के नाम से प्रसिद्ध है। उस इलाके में पुलिस वालों का प्रवेश निषेध है। उसी इलाके की सड़क पर हाथ में खुलिया हुआ चाकू लिए गुलफाम तेजी से बढ़ा चला जा रहा था। उसके पीछे बुखारी, गंगू, टिंका और टोटे भी थे। टोटे को अब भी निकलकर गीले होने का आभास नहीं था। बस्ती में सनसनी फैल गई थी। लोग उसके हाथ में चाकू देख रहे थे, जिसके हाथों में चाकू वर्षों से नहीं आया था। दिल कांप रहे थे, झरोखों से महिलाएं झांक रही थी।
बहुत से गुंडे गुलफाम के पीछे पीछे चल रहे थे। अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति गुलफाम के सामने आ गया। बोला, बेटे तेरे हाथ में चाकू? हाँ दादा, ये चाकू ही है। मगर बेटे ऐसा क्या हुआ कि बरसों बाद फिर से तेरे हाथ में ये सराफत नाम की चीज से ईमान उठ गया है दादा। कहने के बाद गुलफाम बूढ़े के बराबर से गुजरता हुआ आगे बढ़ गया। बूढ़ा उसे पुकारता ही रह गया, जबकि गुलफाम के पीछे चलने वाले हजूम ने उसे धकेल दिया। गुलफाम एक मकान के नजदीक जाकर ठिठक गया। मकान का दरवाजा बंद था। गुलफाम ने शेर के समान दहाड़कर उस मकान में रहने वाले को आवाज दी, यासीन। मकान के छज्जे का दरवाजा खुला। एक बूढ़ी महिला ने झांका, बोली, अरे गुलफाम बेटा, तू क्या बात है, यासीन से काम है कुछ? गुलफाम की आंखें लाल हो उठी। ओ दहाड़ा, ओ क्या कर रहा है? सो रहा है बेटा। लेकिन बुढ़िया का कमजोर शरीर गुलफाम के हाथ में चाकू देकर थरथरा गया। बात क्या है बेटे, आज तेरे हाथ में चाकू कैसे? मौसी, गुलफाम ने कहा, एक बार ये जिस हाथ में आ जाता है, हालांकि तो फिर निकलता नहीं है, और अगर कोई इसे छोड़ने की कोशिश भी करे तो ये नए नए गुंडे बनने वाले लौंडे छोड़ने नहीं देते, उसे मजबूर करते हैं, बड़ों के दिल में वो वार करने लगते हैं। यासीन ने कुछ किया है बेटे? बुढ़िया थर थर कांप रही थी। नहीं मौसी, उसे नीचे भेज जरा, पहले मुझे बता बेटे बात क्या है। मौसी, गुलफाम भेड़िए के समान गुर्रा उठा, तू उसे भेजती है या मैं ऊपर आऊं? इससे पहले कि मौसी कुछ कहे, मकान का बंद दरवाजा खुला। सामने एक 25 की उम्र के करीब का लड़का नजर आया। ओस्वेस था, काला रंग, पतली मूछे और लंबी कलमी, जिस पर एक गंदी सी पतलून और कमीज थी। बाहर आता हुआ वो बोला, क्या हुआ खलीफा? झपड़ कर गुलफाम ने उसका गिरबान पकड़ा, तो जहां छज्जे पर खड़ी बुढ़िया दहाड़े मार मार कर रोने लगी, वहीं कांपता हुआ यासीन कहां बैठा, मैंने क्या किया है खलीफा? तेरा बाप कहां है? गुलफाम ने पूछा। कौन, महाराज? हाँ, मुझे नहीं पता खलीफा। उसका इतना कहना था कि गुलफाम के सिर की टक्कर ने उसका सारा चेहरा खून से लथपथ कर दिया। ऊपर खड़ी अपनी अम्मी की तरह ही यासीन भी चीखने चिल्लाने लगा। चाकू वाला हाथ हवा में उठकर गुलफाम दांत भीचे कर गुर्राया, बता हरामजादे, जल्दी बता, वरना नाली में तेरी लाश पड़ी होगी। अम्मी जान की कसम खलीफा, मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त उस्ताद कहाँ है, कब मिला था तुझे, रात मेरे ही साथ थे, कहाँ, कितने बजे तक? 56 के शराब खाने में, यासीन ने बताया, रात 11 बजे तक। किसी काम वाम के बारे में कुछ कह रहा था? हाँ, यासीन ने कहा, कह रहे थे कि एक मोटा काम मिला है, 5,000 पेस्की भी मिल गए हैं। हमने दावत मांगी तो कहने लगा, काम पूरा होने के बाद दूंगा, लेकिन आपकी कसम खलीफा, काफी पूछने पर भी काम के बारे में कुछ नहीं बताया। गुलफाम ने यासीन को बहुत जोर से धक्का दिया और आगे बढ़ गया। गुलफाम ने यह नहीं देखा कि यासीन लड़खड़ाकर पहले दीवार से टकराया और फिर नाली में गिर पड़ा। वो जुनूनी तो हाथ में खुला चाकू लिए 56 के शराब खाने की तरफ बढ़ रहा था तेजी के साथ। उसके चेहरे पर गुस्सा, नफरत और जलजला दिख रहे थे। चरस, गांजे और अफीम के धुएं से वातावरण अत्यंत दूषित था। हॉल में भद्दी भद्दी गालियों का शोर भी गूंज रहा था। 56 के शराब खाने की गंदी संदी मेजें बिल्कुल फुल थी। सभी मेजों पर ठर्रे की बोतलें खुली हुई रखी थी। हॉल में जितने भी लोग बैठे थे
उनमें से एक का भी सराफत नाम की चिड़िया से कोई सरोकार नहीं था। अचानक हॉल में हड़बड़ाए से एक 20 वर्षीय लौंडे ने प्रवेश किया और ना जाने किससे चीख चीख कर कहने लगा, गुलफाम खलीफा आ रहे हैं, गुलफाम। दाएं तरफ काउंटर पर बैठे चौड़े चेहरे और बड़ी बड़ी मूछों वाले छज्जन ने पूछा, अबे तो क्या हुआ, वो क्या यहाँ पहली बार आ रहा है, आने दे, एक बोतल ही तो पिएगा। नहीं छवन गुरु, आज खलीफा बड़े गुस्से में है, उनके हाथ में चाकू है। अबे क्या बका, गुलफाम के हाथ में चाकू, उवे मह। तभी लड़की की पीठ पर इतनी जोर से ठोकर पड़ी कि लड़खड़ा कर वो हॉल में मुंह के बल जा गिरा। दरवाजे पर खड़ा गुलफाम कह रहा था, हाँ छप्पन गुरु, गुलफाम के हाथ में चाकू है आज, ये देखो, और उस वक्त तक रहेगा जब तक ये महाराज का खून ना पी ले, उसका खून पीने तक खून ही पीता रहेगा ये। मगर मामला क्या, उसकी बात पूरी होने से पहले ही गुलफाम ने झपट कर छप्पन गुरु का गिरबान पकड़ लिया, गुर्राया, बताओ छप्पन गुरु, बोलो महाराज कहाँ है, मुझे क्या पता खलीफा। फिर जैसे पागल हो गया गुलफाम, छप्पन गुरु को सिर से ऊंचा उठाकर उसने हॉल के फर्श पर दे मारा। सारे हॉल में चीख फुकार मच गई, गुलफाम पर तो खून सवार हो गया था। जैसे काउंटर पर रखी बोतलें उठाकर उसने अंधाधुंध हॉल में फेंकनी शुरू कर दी। फिर मेजे कुर्सियों और बेंचे उठा उठाकर चारों तरफ फेंकने लगा। उसकी गुर्गे भी वही सब कुछ करने लगे थे जो कह रहा था। इस तरह सारे हॉल में अफरा तफरी चीख फुकार और हाहाकार मच गया। जो भी गुंडा गुलफाम के हाथ लगता उसी से महाराज के बारे में पूछता। इनकार सुनते ही वो गुंडे को उस तरफ फेंक देता जिस तरफ उसका हाथ पड़ता। इसी शोर शराबे में उसकी नजर बांके पर पड़ी। बांके इस बस्ती की मशहूर वेश्या चंदा का दलाल था। बांके हॉल से बाहर निकलना चाहता था कि गुलफाम ने उसे दबोच लिया। बांके मिमिया रहा था जबकि गुलफाम ने गुर्रा कर पूछा, महाराज कहाँ है, मुझे नहीं पता, बको मत। उसकी छाती पर चाकू की नोक रख दी गुलफाम ने, अगर झूठ बोला तो उसे बाहर निकाल लूंगा जिसे तू दिल कहा करता है। महाराज चंदा के यहां जाता है, तुझे उसका जरूर पता होगा, बोल कमीने बोल, जल्दी बता कहाँ है महाराज। अब मैं क्या बोलूं खलीफा, बाके ने कहा, तो तुम तो खुद ही उसका नाम ले रहे हो जिसकी जुल्फों में महाराज उस्ताद उलझे पड़े हैं, यानी उस कोठे वाली बाजारू औरत चंदा के पहलू में है महाराज। अब महाराज का अंजाम क्या होने वाला है ये जानने के लिए सुनिएगा सस्पेंस थ्रिलर और क्राइम फिक्शन नॉवेल सीरीज बदला, इसी सीरीज की अगली एपिसोड। आदरणीय श्रोता, तो ये थी हमारी आज की उपन्यास की 36वीं एपिसोड, स्टोरी विथ अरुण पर अभी आप लोग सुन रहे थे सस्पेंस थ्रिलर और क्राइम फिक्शन नॉवेल सीरीज बदला, इसी सीरीज की ये 36वीं एपिसोड थी और इसे आगे की कथानक इसके 37वीं एपिसोड में आप लोग सुनेंगे कल की श्रृंखला में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उपन्यास की कथानक और हमारी प्रस्तुति आप लोगों को कैसी लगी। जाते जाते आप लोगों को एक बात और बता दूं फ्रेंड्स कि कल स्टोरी विथ अरुण पर होली स्पेशल लाइव स्ट्रीमिंग का जो प्रोग्राम ऑन एयर हुआ था, उस प्रोग्राम को आप में से जितने भी लोग अभी तक नहीं देख पाए हैं तो आप लोग मेरे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर लाइव सेक्शन वाले वीडियोज में उस होली स्पेशल लाइव स्ट्रीमिंग शो को देख सकते हैं।
मेरे इसी चैनल के लाइव सेक्शन में आप लोग कल के लाइव वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हम लोग होली महा उत्सव की महा सेलिब्रेशन कर रहे थे लाइव स्ट्रीम के जरिए। आप लोगों में से जितने भी श्रोता सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखे हैं, तो मेरे इस चैनल के लाइव सेक्शन में जाकर उन वीडियो को जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि होली विशेष लाइव प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा। आगे भी आप लोग इस चैनल पर ऐसे ही और भी सस्पेंस थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री उपन्यास सुन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को कमेंट करके बताना होगा कि आगे आप लोग इस चैनल पर कौन सा नॉवेल सुनना चाहते हैं। आप अपनी पसंद की नॉवेल फरमाइश करके हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। स्टोरी विद अरुण के तमाम श्रोता सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को रंगों का महान त्यौहार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को होली महापर्व का ढेर सारा शुभकामना। जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे और ढेर सारी खुशियों के साथ होली का ये महापर्व मनाए। आप सभी को स्टोरी विद अरुण की तरफ से हैप्पी होली 2024। अब आज के एपिसोड से दीजिए अपने प्रिय आरजे अरुण गिरी को भी इजाज़त। नमस्कार।